अपनी आंखों से देख दूरन ऐसा मारूंगा। इधर आले, इधर इधर एक और खाएगी मेरे से, समझ में तुझे? तेरी औकात ही क्या है, चूतिए? ए हां तो ठहर, ये तो इस पे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कबीर एंड कबीर के प्रैंक चैनल में आपका स्वागत है। गाइस मैं चुका फिर से एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और ये वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा परेशान है। ये वीडियो मैं ऐसे ही पार्क में कर सकता था, बट मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड है जिससे इसने मुझे बोला था बात करने के लिए, मैंने कुछ दिन बात की, और उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, और वो मतलब ऐसा, जब से मैंने उससे बात की ना, उसका नेचर मुझे ऐसा लगा कि वो किसी भी लड़के से बात कर लेती है, ठीक है, जैसे इसने मुझे बताया था। तो भाई एक बात बता, उस लड़की से तू इतना प्यार करता है तो वो ऐसा कर क्यों रही है तेरे साथ? वही तो नहीं पता ना भैया मेरे को, शायद उसको कुछ कमी लग रही होगी, और हर बात में मैं किसी लड़की से बात नहीं करूं। हाँ। और उसके इतने सारे मतलब, एक तो साले उतना बेस्टीज कहाँ कहाँ मिलते हैं बेस्टीज। हमारी तो कोई लड़की बेस्टी नहीं है, उसके इतने सारे लड़के बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। यार साले उसको जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ। कुल भैया मैं मान बताऊँ आपको 15,000 रुपये सैलरी है मेरी, 15 में से आधी से ज़्यादा मैं उसको देता हूँ फिर भी, और रात रात भर गायब रहती है, बताती नहीं है। उसके पेरेंट्स को पता नहीं है, उसके पेरेंट्स को मेरे बारे में पता है, लेकिन लड़की को, उस लड़की के बारे में ये पता नहीं कि लड़की हांड कर रही है रात रात भर। अच्छा। यार हर किसी को प्रॉब्लम होगी, फ़ोन करता हूँ फ़ोन पिक नहीं करती है लड़की, और फिर बाद में कहती है बिजी हूँ मैं बाद में बात करना। ते भाई तेरी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअल में पता है क्या दिक्कत है, जब मैंने उससे बात किया तो वो मुझसे भी ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो मेरी बंदी हो, ठीक है। अभी गाइस हो क्या रहा है, उसको मैंने यहाँ पे बुलाया है, ठीक है, और ये मेरे घर का टेरेस से मैंने बताया, और अभी क्या है मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस भाई को ना प्रूफ चाहिए। वो चूतिया तो काट रही है इसका, बट इसके पास बंदी का प्रूफ नहीं है, और बहुत टाइम से ये फॉलो कर रहा है कि भाई किसी तरह से उसको प्रूफ मिल जाए, ठीक है। तो भाई वो आने वाली है, मैं उसको भी कॉल करूँगा, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। एक बार उसको यहाँ पर आके बैठा के ना, तू यहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा हो जा, ठीक है, आराम से तैयार रहिए, पहुँचने वाली है, बस एक बार उसको मैं कॉल कर लूँ, ठीक है। आप कॉल करो उसको, अब मैं मिलता हूँ तब जब वो आ जाती है, ठीक है। तू सारी चीज़ ध्यान से सुनना, और उसका बिहेवियर देखना कैसा है, क्योंकि मैं श्योरिटी है कि वो आगे कुछ ना कुछ सलूट करेगी, ठीक है। चल ठीक है, मिलता हूँ तब जब आ जाती है। तो गाइज वो मैं मतलब बहुत देर से मेरी बात हो रही है, पहुँचने वाली है, तो मैं एक बार फिर भी आपके सामने ना बात कर लेता हूँ उससे। भाई बंदी का रिएक्शन बताता हूँ कैसा होता है। हेलो, हाँ कहाँ पे हो आप? हाँ जी मैं भी बस तो पहुँचने वाली हूँ, बारिश हो रही है ना इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ मौसम तो अच्छा हो रहा है बट बारिश ज्यादा हो गई है। तो बहुत अच्छा हो रहा है, और लॉकडाउन में काफी टाइम से है, अभी भी तो कुछ अरेंजमेंट कर लेना। अरेंजमेंट कैसा मतलब? थोड़ा पीने वीने का। अच्छा, पीने मजे लेने। अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो पहले आ तो जाओ, क्या है कि मतलब मैं टेरेस पे बैठा हूँ, एक काम करना सीधा एंट्री लेके ना लिफ्ट से टेरेस पे आना, मैं वहीं बैठा हूँ। ओके बेबी, ओके ओके। भाई बंदी देख रहे हो मतलब यार पीने में बिल्कुल मस्त मूड में है। तो देखो अभी भाई यो सचिन देख रहे, सुन लिया तूने, मामला ख़राब है। देखो सचिन अभी यहीं पे खड़ा है, और मैं बस इतना वेट कर रहा हूँ कि बस किसी तरह से ना एक बार उसको प्रूफ मिल जाए। मिल तो जाएगा, देखो जैसे बात करिए, बट स्टिल थोड़ा खुल के पता चलेगा बंदी कैसी है, ठीक है। मिलते हैं जब जब वो आ जाती है। आ जाओ। हेलो बेबी, हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बैठो। अरे मेरे को दिक्कत तो नहीं हुई? बस बारिश से थोड़ी दिक्कत हुई है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश के मजे की वजह से तो मैं ऊपर बैठा हूँ, मैंने एक बार ऐसे मिल लेता हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है। मौसम का वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। ये क्या कर रही हो, सर्दी लग रही है क्या? इतना अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम है तो ठंडी लगेगी। तो एक बात बताओ, तुम्हें इतनी बारिश में तुम्हारे घर वालों ने आने कैसे दिया? बेबी बर्थडे का बहाना करके आई हूं स्पेशली आपसे मिलने में। बर्थडे का बहाना? यार ये बंदे साले सारे कांड करवा रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? लिटरली यार मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने पिक देखी है, वो कौन है बंदा? वो चूतिया। अबे वो मेरा फ्रेंड है यार। फ्रेंड है तुम्हारा? और चूतिया कैसे हुआ? तुम बिल्कुल क्लोज ऐसे मुंह के पास आके तुमने फोटो खिंचवा रखी है, चूतिया कैसे हुआ वो? तो यार मैं हर सबके साथ ऐसी फ्रेंक रहती हूँ। सबके साथ तो मेरे साथ भी फिर ऐसी, मुझे भी किसी और के बोलो कि चूतिया है। नहीं बेबी आपके साथ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ देखो मेरे इतना पास मत आओ, थोड़ा सा मुझे, मैं ना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर को तो होकर बैठो, थोड़ा सा उधर होकर बैठो। बेबी आप इतना शर्मा क्यों रहे हो लड़कियों जैसे? यार बात लड़कियों जैसे शर्माने की नहीं है, थोड़ा सा आज पहली बार मिल रहे हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरे से पहले? थी मगर बहुत पहले थी, मेरा ब्रेकअप हो गया था, बट ठीक है तभी तो मैं तुमसे बात कर रहा था। ओके वैसे तुमको मिलना क्यों था ये बताओ मुझे, इतने दिन से तुम मिलने के लिए कह रही हो। क्या करें आज तो मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा आज ही प्लान बना लेते हैं। नहीं प्लान व्लान कुछ नहीं, ये बताओ कि तुम खाओगी पियोगी कुछ? मंगवा तो रखा ही होगा मैंने,
बोला था आपको तुम्हारे लिए मैंने दारू मंगवाई है, मैं पीता नहीं हूँ मैं बता रहा हूँ, पर तुम पी लेना, ज्यादा नहीं, एक पैक मार लेना बस, कुछ नहीं, मैं टच भी नहीं करूंगा, तुम पी लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैं भी नहीं पीऊंगी, मैं अकेले पी के क्या करूंगी यार। तुमने देखो ज्यादा कंफर्टेबल हो रही हो, ठीक है, ज्यादा कंफर्टेबल मत हो, बेबी एक बार पी के तो देखो। यार तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो रही हो, पी के क्या देखो, यहाँ पे क्या पी के देखूं, कुछ भी होगा यहाँ पी के देखो, मौसम के मजे। एक काम करो नीचे चलते हैं यार, समझा करो, मैं नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया यार, लोग बाग हैं, पहली बात तो मेरी यहाँ पे बहुत बहुत रिस्पेक्ट है मेरी, थोड़ी सी उधर को बैठो, समझा करो, उधर को बैठो यार। नहीं मैं नहीं यार, तुम और चिपके जा रही हो, मैं मना कर रहा हूँ तुमको चिपकने के लिए, क्या कर रही हो यार तुम, शर्मा क्यों रहे हो यार। तुम्हारा सपोज करो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, फिर तुम मुझसे छुपा रही हो, फिर पहली बार मिली हो तो मुझे कैसे पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तो मुझे डर किस बात का होगा। और अगर हुआ तो? नहीं है, जो मैं कह रही हूँ मेरे पास मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है यार। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा दूर होके बैठो, समझा करो मेरी बात। मैं तो ऐसे मैं तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूं, मैंने कभी बोला आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। तुमने मुझे कौन सा प्रपोज किया कभी? तो यार आई लव यू यार। ओ भाई साहब एक सेकंड में, आई लव यू मैंने, मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो मैंने कभी बोला आई लव यू, मैंने कभी बोला? कोई बात नहीं, आप बोल दो, आप बोल दो। नहीं नहीं यार सॉरी यार सॉरी, थोड़ा सा पीछे को बैठो। नहीं एक काम हो रहा है, यहाँ पर माहौल खराब हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे घूस बम उठ रहे हैं। एक काम हो रहा है, तुम घर निकल जाओ, मैं तुम्हारी कैब बुक कर देता हूँ। अभी घर जाने के लिए थोड़ा आई थी मैं। तो क्या करने आई थी तुम? मजे लेंगे। अरे भाई साहब पीछे हो, जरा पीछे हो, पहले तो मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से निकलो यार, भाई निकलो यार, यहाँ से निकलो निकलो निकलो, मैं नहीं जाऊं भाई यार, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे पहले पीछे होके बात करो, मुझसे पीछे होके बात करो, पीछे होके बात करो। चाहता क्या है यार? तू बोल रही हो तुम? हाँ तू, देखो तमीज से बात करो, और मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई पंगा। मैं कब से इतने प्यार से बात कर रही हूँ, समझ नहीं आता। देखो मेरी बात सुनो तुम, सबसे पहले तो मैं तुमसे इज्जत पर बात करूँ, यहाँ पर शोर मत मचा, पब्लिक है, यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, समझ में आई तुमको? पब्लिक तू इकट्ठी करेगा, मैं इकट्ठी कर लूंगी। क्या कर लोगी? सारी इज्जत है ना, दो मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। तू पता है मैं कौन हूँ? पता है मेरी कितनी रिस्पेक्ट है, मेरी कितनी रिस्पेक्ट है तुमको, बहुत अच्छे से पता है, कहीं काम नहीं आएगी। यार तुम कैसी बंदी हो, तुम एक महीने से मुझसे मिलने के लिए तुम ये काम कर रही हो, अरे कर क्यों रही हो तुम? क्यों कर रही हो? हाँ बोलो, क्या क्या चाहिए तुमको? प्यार से आई थी, मुझे जो चाहिए था वो दे देता। क्या क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुमको बताओ मुझे, क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? पैसे चाहिए। पैसे? हाँ जी। अभी तक तो तुम्हें मैं चाहिए था, पैसे चाहिए तुमको? हाँ मुझे पैसे चाहिए। तो पैसे तो नहीं मिलने वाले भाई, पैसे क्यों नहीं मिलने वाले? देखो पहले तो पीछे हो जाओ, क्यों नहीं मिलने पीछे वाले? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मैं नहीं होंगी पीछे। भाई मेरे से टच मत करो, पहले तो जब मुझे टच करता है मेरा मत्था गर्म होता है, ठीक है ना, पीछे हो जाओ, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे टच करता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है, हट जाओ यहाँ से, पीछे हो जाओ। अब कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम? मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा तुम कर रही हो। कपड़े फाड़ूंगी, पब्लिक इकट्ठी करूंगी, तुम्हारा सब यहीं का यहीं रह जाएगा। भाई क्या बंदी हो बैचो यार, तुमको पता है तुम क्या कर रही हो, तुम एक लड़की मुझे हो, बहुत अच्छे से पता है। तो तुम यही करती हो? हाँ मैं यही करती हूँ, मतलब मैंने गलती कर दी तुमको यहाँ पे मिलने के लिए बुला के, जो भी समझो। अरे कोई इनफ हो गया, एक काम करो तुम घर निकलो। इनफ इज इनफ यार, घर निकलो, इनफ हो गया। मैं बता रहा हूँ मेरा मत्था गर्म हुआ, रैप्टे में रॉकेट बना उड़ा दूंगा, चुपचाप खड़ी हो जाओ, नहीं तो निकलो यहाँ से, लो बहुत हो गया, चलो। रैप्टा तुम मुझे मारो? हाँ हिम्मत है? हाँ मेरे अंदर है, मार के देखो। यार देखो तुम छोटी सी हो, लिमिट में रहो, हद से पार मत जाओ, मिलने के लिए आई थी ना, मिल ली ना, अब निकलो चलो। क्यों निकलो? मेरा काम पूरा। कितना पैसे? कितना पैसे? मेरा काम पूरा नहीं हुआ। कितना पैसे चाहिए तुम्हें? कितना पैसे चाहिए? हाँ बोलो कितना पैसे चाहिए। मेरी बात, यहाँ मेरी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तुझे कितना पैसे चाहिए बता, और निकल, मेरी गलती होगी, मैंने क्या बोला? 50,000? हाँ 50,000 है, 50,000 की रैप्ट है, मारूंगा 50,000 मुंह में ठूसने की जगह। 50,000 चाहिए तो चाहिए, वरना अभी मैं कपड़े फाड़ूंगी, पब्लिक इकट्ठी होगी। ऐसे काम पर जा, मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तू यहाँ से जा, मेरी बात मान, निकल, मैं निकल रहा हूँ। ऐसे हाथ मत पकड़ मेरा, मैंने बोला हाथ, हाथ टच मत कर, पीछे हो जा, पीछे हो जा, मुझे निकलने दे। नहीं नहीं निकल जा तू, निकल जा। नहीं 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 बहुत हो गया बस, मुझे चाहिए तो चाहिए। यार देख तमाशा मत कर यहाँ पे, तमाशा मत कर। तमाशा तुमने किया यार, तू ज्यादा नहीं कर रही है कुछ? मैं कुछ नहीं कर रही ज्यादा, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। दे दो मैं चली जाऊंगी। सचिन तुम्हारी इज्जत भी। सचिन सचिन आ, तो सचिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है जवाब दे, दिमाग मत खराब कर। बेबी यार इसने मुझे बुलाया था। मैंने बुलाया था? हाँ। रैप्ट ऐसा मारूंगा, नचा दूंगा, झूठ मत बोल। पहली बात यार, इधर आके खड़ी हो। सिटी में टूट गया था जब मैंने तेरे को तेरे दोस्तों के साथ देखा, लेकिन नहीं विश्वास नहीं हुआ क्योंकि प्यार करता है तेरे से, लेकिन आज अपनी आंखों से देख, दूरन रैप्टा मारूंगा। इधर आले, इधर इधर, एक और खाएगी मेरे से, समझ में तुझे? तेरी बोला ना भाई, तेरे को रहना इसके साथ।
तुझे रहना इसके साथ, मुझे बता। ओ तू जवाब दे, तू यार तुम्हारे बेबी भाई, तुझे रहना इसके साथ। कौन है? बेबी प्लीज। हां तो पीछे आई रिक्वेस्ट यू यार। हु आर यू? हु? बेबी प्लीज यार। सुन 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 सुन, एक सेकंड मेरी बात सुन। ये भी पहले मुझसे बात कर, मैंने बोला मुझसे बात कर। ये जो तेरी वीडियो है ना, ये जिस दिन तेरे माँ बाप देखेंगे, सोचा तुझे क्या होगा तेरा? सॉरी यार, मुझे भी बेबी बोल रही है साला, मुझे भी बेबी बोल रही है। सॉरी यार, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तुझे आदत हो गई सबको बेबी लपेटने की, समझ तो यार लपेट। सॉरी, यहाँ से निकल, चल चल चल, निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल। एक मिनट मेरी बात तो सुन, मैंने बोला ना यहाँ से निकल, चल। हाँ मत, इधर निकल जा, मैं तुझे बता रहा हूँ, इस बंदे का हाल खराब है, तो यहाँ से निकल, चल निकल यहाँ से, निकल चल, निकल निकल यहाँ, चल निकल निकल चल निकल, मैंने बोला निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, चल भाई इधर बैठ। I'm sorry यार, मैंने बोला तू चली जाए यहाँ से, ए चल यहाँ से, चल चल चल। भाई बंदी एक नंबर की नागिन है, तू देख रहा होगा, समझ में आ रही है तुझे? मैं समझ रहा हूँ तेरे पे क्या बीत रही होगी, हालात देख रहा है। कभी नहीं छोड़ दिया, कभी भी मैंने इसके लिए, अगर ये कहती दिना कैसे, तो इसके साथ नहीं जाएगा। मैं भी आप सीरियसली बता रहा हूँ, उस लड़की सब झांक कर नहीं देखता, तब मैं जाने की बहुत दूर की बात है यार। क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। अगर आज भी जाऊँ ना, मैं कितने चला रही एक साथ, 10 चला सकता हूँ मैं, पता है देख, हर कोई चला सकता है, बट इंसान की जो औकात होती है ना, यहीं से पता चलती है। इंसान किसी के साथ लॉयल ना हो सके ना, तो इंसान की औकात इतनी है जीरो, उससे भी नीचे कोई होगी ना तो वो, समझ गया? लॉयल्टी ही इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। तू लॉयल था ना, तुझे इसका फल मिल जाएगा, ऊपर वाला दे देगा तू, मगर उसको देखना, वो तेरे सामने खड़े होकर मुझे अभी बेबी उसके मुंह से निकल रहा है भाई, वो 10 लड़कों की गारंटी दे सकते, वो बेबी बोलती होगी। सारी चैट्स पढ़ी थी आपके सामने, पढ़ी थी दोनों ने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पछड़ना ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोहल्ले में सोसाइटी में अपनी इज्जत बहुत है, तो थोड़ा सा ना मुझे वो मेंटेन अभी देख, लोग बाहर खड़े होकर देख रहे होता घर पे, ठीक है? तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? तो गाइस थोड़ा सा ना मामला गरमा गया है, ठीक है? लड़की मुझे मतलब चैट से ही पता चल गया था बंदी कैसी है, बट इसको ना वो सेटिस्फैक्शन जो सामने का होता है ना, वो नहीं मिल पा रहा था, वो आज इसको मिला है, ठीक है? और मुझे लगा था कि मतलब छोटे यंग एज में थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मस्ती करते होंगे, वो बंदी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, रेप का इल्ज़ाम लगाने के लिए कह रही है, केस कर दूंगी। तो भाई सीधा सा मुद्दा है, देख भाई ऐसे प्यार मत पड़ो, पहले अपना करियर देखो, ठीक है? और ये वीडियो मुझे यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी गाइस, अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कबीर के प्रैंक फॉलो कर लो, कबीर के प्रैंक और ऑफिशियल कबीर 01 मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आके फॉलो करो, मैसेज करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। भाई देख परेशान मत हो, तुझे मैं वीडियो देता हूँ, मैं घर जा, वीडियो दिखा घर वालों को, तेरे को केस करना केस कर, अपने पैसे ले पहले वापस जो भी तुमने दिया।